और एक ये कोई इनको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा जी, ये सिल्वर फीजेंट के चिक्स हैं। तो ये हमारी अपने फार्म की ब्रीड है, तो आप ये देख सकते हैं अभी तकरीबन तीन तीन चार चार महीने इनकी एज है। तो ये ऊपर से बिल्कुल वाइट हो जाते हैं, नीचे से ये ब्लैक कलर में ही रहते हैं, सिल्वर फीजेंट। ठीक हो गया। और इसके साथ जो आगे है, इसी के साथ ये असील मुर्गे और दो तीन मुर्गियाँ हैं साथ, मियाँ वाली। ठीक हो गया। और इसके साथ ये और भी हैं, ये भी, क्योंकि गर्मियों का मौसम है इस वजह से हर परिंदा तकरीबन अपने बाल जो है ना झड़ रहे हैं, ये नए बाल निकालेंगे। ये भी फीजेंट की एक नस्ल है, लोकल इसको कहते हैं जी, रिंग नेक फीजेंट, ग्रीन फीजेंट। सही हो गया। जी ये हमारे पास एक बहुत ही पुराना मुर्गा, तकरीबन 8-10 साल इसकी एज है और बखर की नस्ल है ये। तो आप इसकी कलर कम्बिनेशन भी देख सकते हैं, हालांकि एज के हवाले से काफ़ी ये बूढ़ा भी है, मतलब एज भी इसकी काफ़ी है, लेकिन माशाल्लाह अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट है। इसी तरह कुछ असील वैरायटी में ये हीरा, जो मोस्ट पॉपुलर मुर्गा है एक, मतलब सफ़ेद कलर में, तो इसकी भी हमारे पास चिक्स भी अवेलेबल हैं और मतलब ये वाइट कलर में भी वैरायटी है हमारे पास। इसी तरह ये एक और असील में वैरायटी है, बखर मियाँ वाली, तो ये बहुत ही प्यारी और आउटस्टैंडिंग चीज़ें हैं ये। ईरानी तीतरों का जोड़ा है ये, ईरानी तीतर हैं ये, दो तरह के सिंधी भी होते हैं, ये ईरानी तीतर हैं। ये बाहर से आपने इंपोर्ट कराए हुए हैं या क्या? जी नहीं, हमने इंपोर्ट नहीं कराया, हमने यहीं से ख़रीदे हैं, लेकिन ये हैं ईरानी, इनकी नस्ल जो है वो ईरानी है। ठीक है, इनका साइज़ की वजह से काफ़ी फेमस हैं और लोग इनको साइज़ की वजह से पसंद करते हैं। सही हो गया। ये वही सिल्वर फीजेंट जो स्टार्ट में आपको मैंने दिखाया, ये उसका भी एडल्ट पेयर है, तो इंशाल्लाह ये और भी कलर अपना चेंज करेगा, ऊपर से बिल्कुल वाइट हो जाएगा और जैसे आपको नीचे से नज़र आ रहा है फुल ब्लैक कलर में इसी तरह रहेगा ये। सही हो गया। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव और कम पाए जाने वाला फीजेंट, ब्लू हेड कहते हैं इसको, और इंतहाई शर्मीला और मतलब बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, जो दुनिया में बहुत कम पाई जाती है वो फीजेंट है। ये रेड गोल्डन फीजेंट है, ये अभी कुरीज़ में अपने बाल छाल, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है तो गर्मियों में तकरीबन अमूमन सारे ही परिंदे अपने बाल झड़ते हैं, कुरीज़ करते हैं, कुरीज़ में लग जाते हैं, तो ये रेड गोल्डन फीजेंट की एक और वैरायटी फीजेंट है। सही हो गया। ये हमारी अपनी घर की होम ब्रीड है, बेंटम कहते हैं, फैंसी हैंस की वैरायटी है ये, इसमें ब्लैक और वाइट कलर में हमारे पास ये अभी एडल्ट पेयर अवेलेबल है। सही हो गया। शौकीन हजरात के लिए बखर का बोल टॉप क्लास जावा, बड़ा फेमस कलर, खूबसूरत साइज़ में, प्यारी कटिंग में, असील बखर का असील जो है ना ये अवेलेबल। ये हमारे पास चकोर, एक लोकल चकोर होता है जो कि क्वेटा या पाकिस्तानी जो आम चांद चकोर जिसको कहते हैं, इसमें एक पेड़ ही आपको नज़र आ रहा होगा, ये मस्कत से इम्पोर्ट किए गए हैं, ये वाले चकोर मस्कत ही इम्पोर्टेड चकोर हैं। सही हो गया। ये रिंग नेक फीजेंट है, इनकी दुम काफ़ी लंबी होती है, लेकिन पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अभी गर्मियों का सीज़न है, इस वजह से अपने बाल झड़ रहे हैं। और मेरे फार्म की जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है, सबसे खूबसूरत फीजेंट, ये भी गर्मियों की वजह से इसकी दुम ख़त्म हो चुकी है, और इस फीजेंट की जो पहचान है वो इसकी दुम है, तकरीबन 7 फीट से भी लंबी दुम हो जाती है सर्दियों में, इसके 7 फीट से भी ज़्यादा इसकी दुम हो जाती है, तो इसके लिए कमरा छोटा पड़ जाता है, इसके लिए भी हमने बड़े कमरे का इंतज़ाम किया, इंशाल्लाह इसको जल्द वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। सही हो गया। माशाल्लाह बड़ी अच्छे अच्छे नस्ल के पड़े हुए हैं इनके पास, तो मज़ीद ये और भी हैं, आगे देखते हैं जी। इसको कहते हैं कोलंबियन ब्रामा, ये अपने साइज़ की वजह से मशहूर है, चलने में बिल्कुल ऐसे जिस तरह फौजी वॉक कर रहा हो तो सलूट परेड कर रहा हो, इस तरह चलता है ये। तो इसके साथ 3 इसकी फीमेल्स हैं और एक ये बड़ा मेल है। सही हो गया। इसी तरह ये ब्लैक हैवी में है जी,
तो इसका भी साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, साइज़ और बफ की वजह से बड़े फेमस होते हैं ये, तो खूबसूरत चीज़ है। ये भी फौजी परेड की तरह चलते हैं या क्या सीन है इसका? जी नहीं, इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं है, उसके पाँव पे ज़्यादा बाल होते हैं, ठीक है, और उसकी जो खारें होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, इस वजह से उसको चलने में दिक्कत भी होती है, और वो चलने में ऐसे नज़र आते जिस तरह फौजी परेड कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। ये सेम वही चीज़ है जी, गोल्डन हैवी में है जी, ये भी जिस तरह ब्लैक वाला आपको पहले दिखाया मैंने, सिर्फ इसका कलर चेंज है। इसके साथ ब्लैक फीमेल्स न्यू म्यूटेशन के लिए हमने डाली हुई है, एक एक्सपेरिमेंट होगा ये फैंसी हैंड्स में। सही हो गया माशाल्लाह। ये जी इंग्लिश गेम है, और ये माशाल्लाह ब्रीडर पेयर है, ये अंडे भी देते हैं, इनके साइज़ पे नहीं जाना आपने तो साइज़ तो काफ़ी छोटा है इनका, लेकिन ये अंडे भी दे रहे हैं, उनके हमारे पास चिक्स भी अवेलेबल हैं। अच्छा, माशाल्लाह बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे लगता है चूजे से हैं ये। बिल्कुल, ये अपनी इसी जिसामत की वजह से और अपनी टेल की वजह से मशहूर हैं, ये फेमस हैं, तो इंग्लिश गेम इसको इसी वजह से कहते हैं कि ये अपनी इसकी दुम खड़ी रहती है और साइज़ बिल्कुल छोटा होता है। अब इस मुर्गी पर किसी का एतबार नहीं कि अंडे भी देती होगी या नहीं। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी है। ये आगे बेंटम का एक कलर है जी, ब्लू बेंटम इसको कहते हैं, तो ये अपनी हाइट की वजह से बिल्कुल ज़ीरो साइज़ में है ये, और ब्लू बेंटम इसकी दुम जो है ना पीछे से बड़ी, मतलब इनके अंदर गोश्त इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बफ की वजह से ये बड़े मोटे और छोटे छोटे नज़र आते हैं। अच्छा अच्छा, सही हो गया। ये एक वैरायटी है, इसको सिल्की बोलते हैं, इसका जो गोश्त होता है वो भी काला होता है, इसका खून भी काला होता है, लेकिन इसके बाल जो है ना, इसकी हड्डी भी काली होती है, सिर्फ इसके जो बाल हैं वो सफ़ेद कलर हैं। माशाल्लाह, इसकी अल्लाह ताला की कुदरत है कि बाकी सारा ये काला होता है लेकिन बाल इसके सफ़ेद होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह ये भी बेंटम की वाइट कलर का है जी, बड़ा पुराना मेल है हमारे पास, तो बड़ा पुराना सेट है ये, भी आप देख सकते हैं, इसके साथ तीन फीमेल्स लगी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडिंग करते हैं, इसके भी चिक्स हमारे पास अवेलेबल है, और बहुत प्यारा छोटे ज़ीरो साइज़ में अवेलेबल है ये। सही हो गया। इसी तरह इसमें ब्लैक कलर भी है, इसको ब्लैक बेंटम कहते हैं जी, ज़ीरो साइज़ में ब्लैक बेंटम, इसकी मादा आप देख सकते हैं अंडों पे बैठी हुई है, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों तक इसके चिक्स भी अवेलेबल होंगे। और एक और छोटे कद वाले आ गए हैं सामने ये नन्हे से पाई हैं जी, ये इसको कहते हैं जी ब्लैक टेल, बाकी सारा ये सफ़ेद, मतलब एक बोस्की से कलर में है, लेकिन जो इसकी दुम है वो ब्लैक कलर में। सही हो गया। ये थी हमारी फैंसी मुर्गों और असील मुर्गों की वैरायटी। आइए आपको तो मुझे बताएं, ये अभी कौन सी नस्ल के, इनके सर के ऊपर बड़ी पगड़ी सी हैं, बड़ी अजीब सब। जी ये अल्लाह ताला की कुदरत है जी, इसको जी पॉलिश कहते हैं, तो इसके साथ ब्लैक और वाइट कलर में हमारे पास मेल है, और फुल वाइट कलर में जो है ना हमारे पास ये फीमेल है इसकी, ये पॉलिश है। बाकी दूसरे इनके नीचे बाल बड़े नहीं होते या ऊपर से डायरेक्ट सिर सर से बाल बड़े होते हैं? इनके सिर्फ सर पे ही बाल बड़े होते हैं, बाकी दूसरी आम मुर्गे मुर्गियों की तरह। यहाँ पे कुछ और नस्ल के मुर्गे देखे हैं मैंने, तो इनसे ये भी पता करते हैं ये कौन सी नस्ल के हैं। और ये भी फैंसी हैं मुर्गों में ही आते हैं जी, ये मीनारका है जी, इसकी अपनी खूबसूरती अपनी पहचान है कि इसकी भी खड़ी दुम है, और जो इसके कान है वो बिल्कुल सफ़ेद, और चेहरे के नीचे सुरख सुरख जो है ना वो एक खूबसूरती के अल्लाह ताला ने इसके लिए बनाई हुई है, इसको मीनारका कहते हैं। इसी तरह ये साथ एक असील मुर्गे हैं यहाँ पे भी। सही हो गया। ये भी बकर और मियाँ वाली से मंगवाए गए हैं जी, ये सारे मुर्गे साथ ये भी हैं। ये कौन सी नस्ल के हैं जी? ये भी मियाँ वाली का मुर्गा है, साथ मियाँ वाली नस्ल की मुर्गी लगी हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इन चीज़ों को समझते हैं जब वो वीडियो देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें रखी हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। इसी तरह आगे हैं आपको ये एक बहुत ही खूबसूरत, तो मैं तो इसको फीजेंट कहता हूँ, माशाल्लाह इसकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप है, तो बहुत ही प्यारे कलर्स में ये असील मियाँ वाली बकर जो है ना ये वहीं की नस्ल है, ये तकरीबन अभी एक साल का नहीं हुआ तो इसलिए इसको अलग रखा हुआ हमने। सही हो गया। आगे एक और भी बड़ा ही प्यारा मुर्गा लाखा, सुरख और काले बालों में। ये आप इतने नाम किस तरह याद रखते हैं, हर नस्ल के नाम आपको पता है? और ये जब भी आप किसी भी काम में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको उन चीज़ों का पता होना चाहिए, जब तक आपको मालूमात नहीं होगी, इंफॉर्मेशन नहीं होगी आपको, तो आप उसको अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाते। बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात की है।